जय हिंद दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है एक और नए वीडियो में। तो उत्तराखंड की जो भर्तियां हैं, लगभग 5,000 से ऊपर भर्तियां थीं जिनका अध्याचन वापस लौटा दिया गया था। लेटेस्ट सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना आई हुई है कि क्यों इनको वापस लौटा दिया गया था। तो पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। और ये कौन कौन से पद थे वो भी इस वीडियो में शेयर करेंगे, और कितने पद थे और कब तक इसके नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये डिटेल मांगी गई थी, और जो इनमें सबसे पहले जो सूचना है वो आप देख सकते हैं कि पदनाम वन दरोगा के अध्याचन त्रुटि होने के कारण नियोक्ता विभाग को मूल अध्याचन वापस भेज दिया गया। यानी कि वन दरोगा की जो 84 पदों के लिए अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास गया था, वो भी जो है वापस कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये इस भर्ती में भी आपको देरी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे रोस्टर और टेक्निकलिटीज़ की वजह से भी वापस गए हैं बहुत सारे पद, और स्पेशली 10% रिजर्वेशन तो है ही है। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात यह है कि कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के प्राप्त अध्याचन के आधार पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो कनिष्ठ सहायक का अध्याचन गया है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले जो आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा वो आपको कनिष्ठ सहायक का ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। जी हाँ, कनिष्ठ सहायक का ही विज्ञापन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो सूचना है जिसके तहत पदनाम स्पेशल टाइगर गार्ड्स के अध्याचन में भी त्रुटियां होने के कारण इसको वापस लौटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यह कि जो फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत स्पेशल टाइगर वुड लगभग 80-81 इसमें पोस्ट थी, वो भी वापस लौटा दिया गया है इसमें गड़बड़ी होने का। अगला, सिंचाई विभाग के अंतर्गत पदनाम सींचपाल के अध्याचन में भी जो है त्रुटियां होने के कारण आयोग ने इसका अध्याचन वापस लौटा दिया है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अध्याचनों में, आप देख सकते हैं, और इनको वापस लौटा दिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अवगत कराने के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदनामों के रिक्त पदों को पर्याप्त अध्याचन भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें त्रुटियां हैं, उनको जो है आयोग ने वापस कर दिया गया है। तो मेनली जो अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड का इंतज़ार कर रहे थे, जो अभ्यर्थी टाइगर का इंतज़ार कर रहे थे, टाइगर स्पेशल फोर्स, उसके अलावा जो अभ्यर्थी सींचपाल का इंतज़ार कर रहे थे, और जो अभ्यर्थी आपका अभी पुलिस कांस्टेबल और वगैरह वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। हालाँकि मैंने आपको पिछले अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और उसके अलावा सींचपाल को लेकर आयोग की बैठक हुई है इनके संबंधित विभागों से। तो बहुत ही जल्द, ज़्यादा जल्द तो नहीं लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास ये सभी अध्याचनों के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको कनिष्ठ सहायक का। तो जल्दी से अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत जल्द आपको कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।